अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं क्लास इंटरवल की। हम सबसे पहले आपने अपने डेटा के अपर बाउंड जो हैं ये वाले, ये आपने सेपरेट लिख देने हैं क्लास इंटरवल के अपर बाउंड ऐसे। इसके बाद आपने ये डेटा जो है आपका, इसे बेहतर है कोई ना कोई नेम दे लें। इधर से आप नेम दे सकते हैं, मैंने अपना नेम ऑलरेडी दे लिया हुआ तो इसलिए मैं इसे कट कर रहा हूँ। अब आपने अपने ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। इसके बाद इधर आपने फार्मूला लिखना है फ्रीक्वेंसी का। पहले इसके बाद आपने अपने डाटा का नाम देना है। इसके बाद आपने ये अपने इंटरवल के अपर बाउंड वाली लिमिट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट और इंटर को एक ही वक्त में दबाना है। ये देखिए हमारी फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट होगी। अब ये हमारी सारी फ्रीक्वेंसी डेटा का हमारा काउंट सारा 100 है, तो इसका सम 100 के बराबर होना चाहिए। देखता हूँ मैं है कि नहीं। ये मेरा सम 100 के इक्वल है, इसका मतलब है कि मैं ये फ्रीक्वेंसी ठीक आई है। अब ये मैं अपनी फ्रीक्वेंसी सारी इधर फ्रीक्वेंसी क्लास फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में लिख लूँगा। थैंक यू।